नालंदा भागन बिघा ओपी के बाजार स्थित एक किराना दुकानदार को सरेआम बदमाशों ने दुकान पर चढ़कर गोली मार दी है। जख्मी हालात में अधीर को इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से बेहतर इलाज के लिए पावापुरी मेडिकल कॉलेज को रेफर कर दिया गया है। आपको बताते चले कि जख्मी भागन बिघा निवासी मदन प्रसाद है। पीड़ित ने बताया कि आज दिन में सोसराय थाना क्षेत्र के करुणा बाग बाजार में गांव के भोली यादव व अन्य बदमाश ने उनके पुत्र के साथ मारपीट करते हुए मोबाइल और रुपए छीन लिया था और इस संबंध में उनके पुत्र द्वारा सोसराय थाना में FIR दर्ज भी कराया गया है। इसी खुन्नस में शाम को बदमाश ने दुकान पर चढ़कर गोली मार दी थी। भागन बिघा थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपित और जख्मी के पुत्र के बीच आज दिन में किसी बात को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। इसी विवाद में गोली मारने की बात बताई जा रही है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है और जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। निधि सिंह के साथ नालंदा से राकेश की रिपोर्ट। कोई बात नहीं हेलो को एगो प्रदीप के भागना है छतरपुर के मैया वो सब मिल करके आपको मारा है दुकान पर आके गोली मार दिया। अच्छा हाँ कारण क्या है? कारण की ने मोबाइल छीन ली थी या पैसा छीन लिया था ससुराल में, वही कारण ससुराल में केस किए तो अभी आगे गोली मार दिया। कौन लोग था? वो लोग तीन लोग था जिसमें दो के छीनते हैं। प्रदीप के भागना है छतरपुर के। क्या नाम है आपका? दो भागन भी आके भोली जा रहे हो एगो काजू जा रहे। क्या नाम है आपका? ओकरे साला है काजू नाम है। आपका क्या नाम है? सोनू कुमार।